अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन, जो अपडेट, जो खुशखबरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, यकीनन ये खुशखबरी आपके लिए साल 2019 की सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो साबित होगी। दोस्तों आज की वीडियो को आपने आए एंड तक देखना है, और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उमरा वीज़ा के हवाले से, जहाँ पे आपके बहुत सारे मतलब बहुत सारे पैसे जो है वो बचने वाले हैं। तो वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए मेहमान हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ नोटिफिकेशन बेल को लाजमी से दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है आपको मिल सके। तो दोस्तों जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है कि गैर मुल्कियों को बड़ी इजाज़त जो है वो मिल चुकी है, मतलब कि गैर मुल्कियों पर बहुत बड़ी पाबंदी जो है वो उठा ली गई है। दोस्तों हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा का एक जो मीटिंग है वो हुआ है, जिसमें महरम का शर जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप उमरा वीज़ा जो है वो हासिल करना चाह रहे हैं तो आपके लिए महरम की शर जो है वो ज़रूरी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अगर खातून या कोई भी औरत जो है वो उमरा वीज़ा के लिए अप्लाई करती थी, उसके लिए महरम की शर्त जो है वो लाजमी थी, जिसके लिए आपको इजाफी पैसे जो है वो अदा करने थे। क्योंकि अगर कोई एक बंदा जो है कोई एक बंदी या कोई औरत अगर उमरा अदा करना चाहे तो उसके लिए किसी महरम का भी जाना ज़रूरी था, तो जब वहाँ पर डबल जो है आपके पैसे जो है वो चार्ज होते हैं। लेकिन अब जो है ये फैसला किया गया है कि ये शर्त जो है वो ख़त्म की जा रही, तो ये दोस्तों काफ़ी बहुत बड़ा फैसला जो है वो किया जा रहा है, जिसको बहुत बड़े लेवल पर है वो सराहा जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि बहुत से बड़े और फैसले जो है वो गैर मुल्कियों के लिए आने वाले हैं, और वो सब जो है आपको इसी चैनल पे इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब, साथ चैनल से जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बिल्कुल लाजमी से दबा देना है, ताकि जो भी नई अपडेट ऑफिशियल अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।